हाय एवरीवन, वेलकम टू सनीज गार्डन। सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लेमन ग्रास को भरी गर्मी में यानी कि 40 to 48 टेम्परेचर तक के एनवायरनमेंट में किस तरीके से इसको ग्रीन रखा जाए, कैसे इसको हरा भरा बनाया जाए और कैसे इसका फ़ायदा अपनी सेहत के लिए उठाया जाए। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो हमारा लेमन ग्रास का प्लांट, इसको आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, इसको मालाबार या फिर कोची घास के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। और आयुर्वेद में इस घास को बहुत सारे गुणों की चर्चा की गई है, हेल्थ के लिए यानी कि हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है ये ग्रास। तो दोस्तों आप देख रहे हो लेमन ग्रास का प्लांट, इसको हम अपने घर का डॉक्टर भी कह सकते हैं, बहुत ही गुणकारी है। आयुर्वेद में बहुत सारे फ़ायदे इसके गिनाए गए हैं, साथ ही साथ ये हमारे जो इसकी मेडिसिनल पावर होती है बहुत हाई होती है, इसको लगाना बहुत आसान है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा राइज करता है यानी कि 40 डिग्री अबव हो जाता है तो उस टाइम इसका सर्वाइव कराना काफ़ी कठिन हो जाता है। बहुत सारे व्यूअर है जिनकी कंप्लेंट्स है कि गर्मियों में उनका लेमन ग्रास का प्लांट सूख जाता है, तो इसके कुछ स्पेशल टिप्स, स्पेशल केयर करके हम इस प्लांट को हरा भरा बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस प्लांट की सनलाइट की। कई बार हम क्या करते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर राइज होता है, तो प्लांट को शेड में रख देते हैं किसी पेड़ के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे, लेकिन ऐसा ना करें। इस प्लांट को फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो इसको ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पर फुल सनलाइट इसको दिन भर की मिले, चाहे वो बालकनी हो, टेरेस हो या फिर आपका ग्राउंड फ्लोर का गार्डन हो। अब दूसरी बात आती है इसकी रिपोर्टिंग की, तो दोस्तों इस प्लांट को साल में एक बार रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि इसकी जो रूट है, रूट बाउंड हो जाती है। यहाँ मैं दिखा सकती हूँ, ये प्लांट मेरा रूट बाउंड हो चुका है और देखिए नीचे से किस तरीके से इसकी रूट जो इसके ड्रेनेज होल है उसमें से बाहर आ चुकी है। तो इसको साल में एक बार रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ होती रहे और इसके जो प्लांट की जो फीडर रूट्स है वो आराम से सर्वाइव कर सके, अच्छे से फूड सप्लाई कर सके। उसके बाद बात की जाती है इसकी पोटिंग मिक्स की, तो इसकी पोटिंग मिक्स के अंदर जो सॉलिड मैन्योर होता है यानी कि गोबर की गली हुई खाद या आपका किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद, उसको इसकी पोटिंग सॉइल के अंदर ऐड करें। वैसे बहुत ज़्यादा खाद की इसको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको मंथ में एक बार या दो बार लिक्विड मैन्योर आप दे सकते हो यानी कि कंपोस्ट ही बनाकर वो इसको फीड कराते रहें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल लश ग्रीन ये बना रहेगा। बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की। जैसा कि आपने अभी सुना कि इसको फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो जितना फुल सनलाइट में रखें उतनी इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो गर्मी के टाइम में दोनों टाइम इसके अंदर पानी दीजिए, सुबह और शाम, यानी कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए। उसके बाद जब भी हम इस प्लांट की लीव्स को यूज़ के लिए यानी कि अपने यूज़ के लिए जब भी इससे निकालें, तो यहाँ से बिल्कुल नीचे से निकालिए, इस तरीके से यहाँ से कट कीजिए ताकि इसका कोई भी डेड पार्ट ना बचे। कई बार क्या होता है कि हम ऊपर से तोड़ लेते हैं तो नीचे की जो पत्ती बचती है वो सूख जाती है, और उस सूखने के बाद काफ़ी ये भद्दा नज़र आता है। तो इसकी हेल्थ बरकरार रहे तो उसके लिए जहाँ से लीफ आपकी स्टार्ट हो रही है वहाँ से इसको कट कीजिए और यूज़ कीजिए, और साथ ही साथ जितनी भी सूखी पत्तियाँ उनको धीरे धीरे रिमूव करते रहें, इस तरीके से उनको हटाते रहें ताकि प्लांट के अंदर किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो और ये अच्छे से ग्रोथ करे। तो दोस्तों ये थी हमारी लेमन ग्रास को लश ग्रीन रखने की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।